अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा अफीरा तहसीन तहसीन रिएक्शन। रिएक्शन। गेम ऑफ थ्रोन्स, ओ मेरा मतलब है गेम ऑफ ड्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स तो सबको पता है, लेकिन गेम ऑफ ड्रोन्स का हमें कुछ अर्से पहले ही पता चला कि तुर्की में ऐसी एक वीडियो में मौजूद है जिसमें ड्रोन्स के बारे में बताया गया है कि किस किस किस्म के ड्रोन्स जो हैं तुर्की के पास मौजूद हैं, और सुना है कि बहुत ही डेडली हैं, बहुत ख़तरनाक ड्रोन्स हैं। तो उनकी एक वीडियो हमें रिक्वेस्ट आई कि इस पर अपना रिएक्शन दें, तो आज हम देखेंगे कि तुर्की के ड्रोन्स। लेकिन इसको चलाने से पहले वीडियो को, जो लोग नए आए हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल, तो चलें देखते हैं गेम ऑफ ड्रॉन्स। बिल्कुल। In Syria, where Turkish drone strikes have killed 19 civilian Turkish positions this week in Idlib, Turkish forces striking the Syrian army's ammunition depots. Nord de la Syrie, l'armée turque poursuit son pillage. The region has escalated in recent days. Shot down two Syrian jets. Kitna accurate nishana. Wow. हाँ, तुर्की के अपने ड्रोन मैंने दिखाया भी है ना कि कितनी दूर से वो अटैक कर रहे हैं, ये मिसाइल साथ लगे हैं। और ये मोड से था हाँ, इसमें कोई पायलट नहीं। वाओ, इनके उनके अपनी ये उन्होंने बनाया है। हाँ हाँ, खुद बनाया है सब ड्रोन के। नहीं, दिन में भी होते हैं नाइट व्यूज, सब ये थर्मल इमेजेस होती हैं। हर किस्म की चीज पे अटैक कर रहे हो, टैंक के ऊपर, गाड़ियों पे, इमारतों के अंदर। ये टेस्ट दिखा रहे थे कि ओरिजिनल? नहीं, ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल शॉट्स थे। ये दूसरा ड्रोन है, खूबसूरत है। और एक काफी किलोमीटर दूर तक जाके भी हमला कर सकते हैं। इनका पता नहीं चलता किसी को, तो आवाज़ नहीं होती और ये रडार पे भी नहीं आ रहे होते, इसके से कुछ पता नहीं चलता ये हमला कर रहे हैं। नहीं ना, अलग अलग टाइप के ड्रोन है सारे। वाह, बहुत अच्छा था, मजा आया देख के। बहुत ही अच्छी वीडियो थी, और ये ड्रॉन्स देख के ऐसा इतना अच्छा लगा, क्योंकि देखें क्या होता ही है कि ये बेसिकली एक तरक्की होती है एक मुल्क की, जो आप अपनी चीज़ें खुद बिल्ड कर रहे हैं। हाँ। हमें सुनने में आया कि अब एक उड़ने वाली कार भी तुर्की बना रहा है, इसकी टेस्ट ड्राइव अभी रिसेंटली हुई थी, जिसकी हमने एक वीडियो भी अपलोड की थी। हाँ। उसके बाद हमें सुनने में आया कि तुर्की अपनी पहली जो बैटरी से चलने वाली गाड़ी भी तैयार कर रहा है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर में अपना एक रिएक्शन वीडियो भी लेकर आएंगे। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, और तुर्की अगर ड्रोन्स में आगे, जितना पाकिस्तानी मिसाइल्स में बहुत आगे है, तो क्योंकि वो हर जनरेशन का मिसाइल हम लोगों ने तैयार किया है, उसमें क्रूज़ मिसाइल्स भी हैं, जिसमें हमारे लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी हैं, दुनिया इन चीज़ों को मानती है। बिल्कुल। और ये तुर्की भी वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, और हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि हमारे ब्रदर मुल्क इस तरह तरक्की करें। और रिसेंटली आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा भी दिया है कि हम कितने मुत्तहिद हैं बिल्कुल, और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ।
तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी, तुम्हें कैसी लगी फिर? मुझे भी अच्छी लगी और ड्रोन बहुत खूबसूरत थे, क्यूट थे, देखने में बहुत क्यूट थे, क्यूट नहीं, डेडली थे, डेडली तो हैं लेकिन क्यूट थे। इसके अलावा जो है नो डाउट तरक्की तो होती है और साथ साथ जो है ना वो मुल्क मजबूत भी हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई चीज जो है वो लिंक हो रही होती है आपस में, और जिस मुल्क की फौज जो है मजबूत है वो मुल्क जो है उसको कोई भी नहीं छेड़ सकता, बिल्कुल ऐसे ही, कोई हमला नहीं कर सकता और हमला करने से पहले हजार दफा सोचेंगे कि किसी एक मुल्क की तरफ भी आंख उठाई तो उसके भाई उसके ऊपर पीछे उसके मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। और इसमें ये बताना चाहूँगा कि ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी होती है, अब देखेंगे तुर्की ने अगर बना ली तो हमें ये नहीं सोचना कि तुर्की की टेक्नोलॉजी है, अब हमने सोचना है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है, ये अज़रबैजान की टेक्नोलॉजी है, ये तमाम उन ममालिक की टेक्नोलॉजी है जो हमारे ब्रदर मुल्क हैं, क्योंकि हमें पता है कि कल को अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो ये ड्रोन्स हमारे लिए भी यूज होंगे। और जिस तरह अगर जैसे कि तुर्की के अज़रबैजान के ऊपर मसला आया तो तुर्की के F-16 भी यूज हुए, तो इसी तरीके से हम लोग को खुशी होती है कि जो भी हमारा ब्रदर मुल्क है वो तरक्की करे और ऊपर से ऊपर ही जाए। बिल्कुल, इसी दुआ के साथ आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिन्होंने इस वीडियो को दोबारा देखना हो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और इनके चैनल को ये जो हाची है अपनी हाकी है प्रोडक्शन, इनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनके साथ साथ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहा करे। इसी मज़ेदार ड्रोन्स वाली वीडियो के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।